वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं। आज मैं अपना सम क्लीन करूंगा, इसको ऑलमोस्ट 2 मंथ से ज्यादा हो गया। तो वैसे तो ये थोड़ा सा जल्दी है, आप इसको 3 से 4 महीना वेट कर सकते हैं। जब आप नया टैंक सेट करते हो, नई सैंड यूज करते हो, बहुत सारी गंदगी, नए प्लांट्स लगाते हो, वो मेल्ट होते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, जब उनका ट्रांजिशन होता है, तो बहुत सी गंदगी आपका फिल्टर खींच लेता है। और मुझे भी लग रहा है, रियलाइज हो रहा है कि अब इसमें वेस्ट बहुत ज्यादा हो गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको साफ कर दिया जाए एक बार, क्योंकि ये तो एक ओपन फिल्टर है, आपको इजीली पता चल जाएगा कि कब टाइम है इसे साफ करने का। प्लस जो सम का एडवांटेज है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको जरूर चेकआउट करें। सम के बेनिफिट्स, उसको मैंने कैसे बनाया था, ये सारी चीजें आपको उसमें देखने को जरूर मिलेंगी। स्टार्टिंग में मैंने जब ये किया था, तो मैंने अपनी फिल्टर मीडिया डायरेक्टली उसमें डाल दी थी विदाउट फिल्टर बैग्स। तो यही सारे एडवांटेजेस हैं जो आपको एक इजी, आपका काम आसान कर देते हैं। अगर आपने फिल्टर मीडिया को बैग में रखा हो, आपको बस फिल्टर मीडिया बाहर निकालनी है, गंदगी को साइफन आउट कर देना है। तो मैं शुरू में तो नहीं रख पाया था, लेकिन मैंने आज सोचा है कि इस क्लीनिंग में मैं अपने सारे पैड साफ करूंगा, अपनी सारी फिल्टर मीडिया साफ करूंगा और उनको एक बैग में रखूंगा, जिससे फ्यूचर में जब कभी मैं क्लीनिंग करूँ तो मेरे लिए काम आसान हो जाए और चीज़ें बहुत जल्दी हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें इसको साफ करते हैं, और पूरा वीडियो देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या स्टेप है और मैं क्यों कर रहा हूँ। सब पे ऑलरेडी बहुत सारे कैल्शियम डिपॉजिट भी है, तो ये तो टेंशन की बात नहीं है। प्रॉब्लम होती है ये आप जो ऑर्गेनिक वेस्ट देख रहे हैं, स्पंज पूरा काला हो गया है, कवर हो गया है, तो ये बेसिकली प्लेस है जहाँ पे आपके बैक्टीरिया की हाउसिंग होती है, और अगर वो आपके ऑर्गेनिक वेस्ट से, जितना मल्म है, गंदगी, उससे ढक जाता है, तो उनका एक्सेस ऑक्सीजन से, फ्लो से कम हो जाता है। ये रीज़न है कि इस तरह की चीज़ें अगर आप देखें आपके फिल्टर्स में होती है, इतना बहुत ज़्यादा जब ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, तब आपको क्लीन ज़रूर करना है। एक बकेट में पहले तो मैं जो इसकी गंदगी है, ये जो गंदगी है, मैं इसको इसी में ही साफ करूँगा, और उसके बाद बकेट में निकाल के अलग रख दूँगा एक्वेरियम के ही पानी में। देन थोड़ी देर में जब हम वेट करेंगे, जब डस्ट सेटल हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी, तब उसको साइफन आउट करेंगे। मेरे जितने भी एक्वेरियम है, मैंने उसमें स्टैंड 2.5 फीट बनाया है, तो लगभग यहाँ तक होना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्टैंड बड़ा हो रहा था, पैसा बचाने के चक्कर में मैंने कहा इसको 2 फीट ही रखो। और प्रॉब्लम देखिए कि सम भी मुझे इसी में ही रखना था, अब इस वजह से थोड़ी सी हार्ड डालना, क्लीनिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और इंस्टेंट डिसीजन की जो थोड़ा बहुत गलत हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैनेज हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। तो अब इसी में हल्का फुल्का रब करेंगे इसको, ज़्यादा नहीं। जो फिल्टर मीडिया विदाउट बैग है, उनको मैं पहले इस फिल्टर बैग में भरूंगा, देन बकेट में डालूंगा, बिकॉज वापस डालते वक्त मैं एक बार और इसमें डायरेक्टली इसको हल्का सा खंगाल के वापस डालूंगा, इससे बाद का काम भी आसान हो जाएगा। ऑलराइट, तो सारी फिल्टर मीडिया इधर आ चुकी है और अपना फिल्टर खाली हो गया है। थोड़ी देर वेट करेंगे कि डस्ट बैठ जाए, तो साइफन करना आसान होगा। क्लीनिंग हो गई है, अब हम अपनी फिल्टर मीडिया वापस भरेंगे। ओके, सो फाइनली एवरीथिंग इज रेडी। थोड़े बहुत जो मेरे ये वाले फाइन वाले जो फिल्टर पैड्स हैं, वो ख़राब हो गए थे, मैंने नए से चेंज कर दिए हैं, दूसरे थोड़े बहुत नए और ऐड कर दिए, बिकॉज जो अच्छी इसमें अच्छी खासी तो भर दिया है, ये थोड़े दिन में अपने आप सेटल हो जाएगा। बाकी फिल्टर मीडिया बैग में प्रॉपरली आ गई है, सो नेक्स्ट टाइम अगेन वही से क्लीनिंग में आसान होगी। हीटर ऊपर था, मैंने नीचे ऐड कर दिया है। चलिए अपना फिल्टर अब फाइनली चालू करते हैं। फ्लो आप देखें धीरे धीरे नीचे जा रहा है, वाटर का लेवल ऊपर भरना स्टार्ट हो गया है, तो ठीक है, थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ी मेहनत लग गई, बट एवरीथिंग इज क्लीन। ये आपके फिशेस के लिए अच्छा है, आपके एक्वेरियम के वाटर के लिए अच्छा है, एक इन्वायरमेंट अच्छा बना रहेगा, तो रेगुलरली क्लीन करें, बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। सम में स्पेशली फिल्टर को खोलना, हर मीडिया को अलग अलग साफ करना,
उसके कंपैरिजन में ये बहुत आसान था। थोड़ा सा मुझे डिफिकल्टी हो गई बिकॉज एक्वेरियम मेरा बहुत स्टैंड नीचे है, लेकिन कोई बात नहीं चलता है, इतना तो करना पड़ेगा अपनी फिशेस के लिए। ऑलराइट, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट्स करना ना भूलें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोग बहुत लोग वीडियोज़ देख रहे हैं, व्यूज़ जो आप लोग का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, थैंक यू वेरी मच। लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें, वो भी मुझे बहुत हेल्प करेगा, और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे के इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आप मिस ना करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।